I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों मैं आया था कुरबाई कुछ काम से, मगर वो मेरा काम हो नहीं पाया क्योंकि आज बैंक की छुट्टी है, कल फिर संडे है और परसों 15 अगस्त है। तो दोस्तों अभी मेरा जो काम है वो मंगलवार को ही हो पाएगा। अभी दोस्तों मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये घर भी मेरा ही है। इस अगले ब्लॉग में मैंने आपको मेरा फार्म हाउस का टूर दिया था। ये जो घर है फ्रेंड, ये मेरा कुरबाई में घर है। तो चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। एक बात और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए दोस्तों आपको भी पता है कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं एक यूट्यूब क्रिएटर नहीं बन सकता। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए दोस्तों ये जो मेरा घर दिख रहा है, ये मेरे घर की एंट्री है। यहाँ से हम लोग आते हैं, यहाँ मेरी बाइक वगैरह भी हम लोग खड़ी करते हैं। उसके बाद अगर ये रूम आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला रूम, ये तो अभी खाली पड़ा है क्योंकि मैं इसमें कुछ दुकान डालूंगा। जब भी दुकान डालूंगा आपको ब्लॉग जरूर आएगा। चलिए मैं कुंडी लगा के ये देखिए दोस्तों, ये आपको ये जो रूम दिख रहा है, अभी इसमें शटर लगी हुई है, कोई भी नहीं रहता है, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है अभी। तो यहाँ पर ऊपर ये मेरा सामान वगैरह रख दिया है। तो ये एक रूम मेरे हाउस का ये वाला हो गया। जैसे ही अपन बाहर आते हैं, इसकी मैं लाइट बुझा देता हूँ। इस रूम से जैसे ही अपन बाहर आते हैं तो एक ये वाला रूम आपको दिख रहा होगा, इसमें अभी ताला लगा हुआ है और मैं ताला खोलने वाला नहीं हूँ। यहाँ आते हैं तो ये जो वेस्टेज पानी का पाइप रहता है, ये मेरा ऊपर गया हुआ है। ये नल वगैरह के लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक मोटर लगा कर रखी है। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये मेरी बाथरूम है, नहाने वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा टॉयलेट हो गया, ये टॉयलेट यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ से अपन ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला फ्लोर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से ऊपर जाने का ये जो आपको दिख रहा है, ये रास्ता ऊपर के लिए जाता है। चलिए दोस्तों अपन चलते हैं ऊपर। तो फ्रेंड देखिए हम लोग अब जा रहे हैं ऊपर। ये यहाँ वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की बनाई हुई है। ये जैसे ही अपन दोस्तों ऊपर एंटर करते हैं मेरे रूम में, ये देखिए दोस्तों एक रूम ये है मेरे घर का, एक रूम हो गया। उसके बाद दोस्तों दूसरे रूम के लिए ये वाला रास्ता जाता है जिसमें मैं कभी कभार रुकता हूँ, वैसे तो मैं यहाँ आता नहीं हूँ फ्रेंड। तो इस रूम में कुछ नहीं है, बस एक टीवी लगी हुई है, एक कूलर रखा हुआ है, ये फ्रिज रखा हुआ है। ये मेरा रूम देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग रुकते नहीं हैं, बहुत ही कम आते हैं यहाँ तो। और थोड़ी सी छोटी सी यहाँ पर हम लोगों ने बालकनी भी दे रखी है। आइए मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। तो फिर चलो बालकनी देखता हूँ मेरे रूम की बालकनी कैसी है। ये जो घर है ये ज़्यादातर मैं यहाँ किरादारी रखता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये आपको बालकनी दिख रही होगी, यहाँ से एक बाथरूम वहाँ भी बना कर रखी है हम लोगों ने। छोटा सा ही घर है मेरा, ज़्यादा बड़ा जगह तो नहीं है इसमें, बाकी घर अच्छा बना हुआ है दोस्तों। एक बार आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि मेरा घर कैसा बना हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ कि हमने इस घर में वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखा है। ये देखिए फ्रेंड, ये जाली लगाई हुई है क्योंकि 4 मंजिल घर है तो हवा आने के लिए कुछ तो चाहिए। उसके बाद आते हैं सेकंड रूम में, ये जो आपको रूम दिख रहा है, दे देगी फ्रेंड, ये मेरा सेकंड वाला रूम है। यहाँ भी एक पलंग डला हुआ है, पेटी में कपड़े वगैरह कुछ मेरे रखे हुए हैं। और जो मेरा छोटा भाई है वो अभी पढ़ाई कर रहा है तो उसकी ये किताबें वगैरह हमने जमा कर रखी हुई हैं। दोस्तों ये जो अलमारी है इसमें कुछ पुराना मेरा सामान डला हुआ है, यहाँ पर भगवानों की फोटो वगैरह लगाई हुई है। उसके बाद दोस्तों आते हैं किचन की ओर कि आप देखो भाई, घर है तो किचन ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं मेरी किचन आपको, आइए किचन में लेकर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं जब भी रुकता हूँ मैं खाना बनाता हूँ, उसका भी एक आपको ब्लॉग में बता के बताऊँगा। तो यहाँ खाना बनाने का सामान रखा हुआ है, किचन में भी बर्तन वगैरह पूरी चीज़ें रखी हुई हमने, और वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की भी है। ये देखिए फ्रेंड, खिड़की मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूँ। तो सहूलत के सारे सामान हम लोगों ने यहाँ पर रखे हुए हैं। ये भगवान जी का मंदिर है हमारा, कभी भी आते हैं तो हम लोग पूजा करते हैं, ये मंदिर है हम लोगों का भगवान जी का। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही आते हैं तो देखिए कुछ हमने तस्वीर भी भगवान जी की लगा रखी है, आप लोग देख रहे होंगे। एक ये वाली तस्वीर भगवान जी की लगा रखी है, एक ये रखा रखी है। चलिए दोस्तों अब ऊपर का टूर देता हूँ। अभी जो हम थे सेकेंड फ्लोर पर थे और अब हम चल रहे हैं थर्ड फ्लोर पर। तो आइए आपको थर्ड फ्लोर पर लेकर चलते हैं। ये जो मेरे घर का थर्ड फ्लोर आप देख रहे हो, ये थर्ड फ्लोर है, तो यहाँ का भी मैं आपको टूर दूंगा। एक रूम यहाँ पर थर्ड फ्लोर पर ये बना हुआ है, दूसरा रूम ये है,
सेम नीचे जैसा ही पोर्शन है, यहाँ पर दोस्तों हम किराएदार रखते हैं और वेंटिलेशन का काफ़ी ध्यान रखा गया है हम लोगों ने। तो यहाँ पर भी ये देखिए आप दोस्तों, ये जो जाली लगा रखी है ये हम लोगों ने वेंटिलेशन के लिए रखा रखी है। ये यहाँ पर एक मुंह धोने के लिए लगाया गया है। कल मेरे किराएदार ज़्यादा गंदगी रखते हैं फ्रेंड, माइंड मत करना, थोड़ा गंदा रूम आपको दिख रहा होगा। जो आप फ्लोर पर अभी देख रहे हो ये थर्ड फ्लोर है मेरे घर का। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा घर आपको लगा कैसा। और दोस्तों ये जो आप पीछे देख रहे हो ये मेरे भाई किराएदार रहते हैं, तो थोड़ी बहुत गंदगी तो वो लोग करते हैं। चलिए ठीक है जैसा भी है, और चलिए आगे का फ्लोर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये दोस्तों आप जो देख रहे हो ये है फोर्थ फ्लोर मेरे घर का, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए आइए ऊपर चलते हैं फोर्थ फ्लोर पर। ये देख रहे हो दोस्तों फोर्थ फ्लोर पर बस एक ही रूम है, ये वाला जो आपको रूम दिख रहा है ये फोर्थ फ्लोर पर है। इसके बाद अगर अपन यहाँ आते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई चार मंजिल अगर घर बनाएंगे तो वेंटिलेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें भी हमने एक लोहे की जाली लगा कर रखी है। उसके बाद अगर फ्रेंड आते हैं तो ये देखिए, ये लो मेरी लेट बात है, ये मेरी लेट बात है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे ये देखिए ऊपर भी छत ही है, मगर ये रोशनी सूर्य की कहाँ से आ रही है? वेंटिलेशन के लिए हम लोगों ने बहुत ही ध्यान रखा हुआ है। देखिए दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, ये जो मैंने ईंटें लगा रखी हैं ये कांच की ईंटें हैं। ये देखिए दोस्तों मैं इसका आपको अब आगे के कैमरे से व्यू देता हूँ, यहाँ वेंटिलेशन कैसे होता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए भाई चार मंजिल अगर मैं हम लोगों ने घर बनाया, तो फ्रेंड अगर चार मंजिल घर बनाया तो उसमें वेंटिलेशन की ज़रूरत तो हम लोगों को पड़ी होगी। तो इसके लिए हमने कांच की ईंटें लगाई हैं दोस्तों। चलिए आपको मैं वो ईंटें दिखाता हूँ। ये जो दोस्तों आप ईंटें देख रहे हो ये कांच की बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छी रोशनी आती है इनमें से। ये देखिए दोस्तों अब आपको ये क्लियर दिख रही होंगी ईंटें, तो इस ईंटों में से बहुत ही अच्छी क्लियर हवा। मेरे रूम को है मेरे फ्रेंड, तो ये मेरे घर का फोर्थ फ्लोर आप लोगों ने देख चुके हो। इसके बाद अपन चलते हैं छत पे कि भाई छत कैसा है मेरे घर का। और ये जो दोस्तों मेरा प्रवाही में घर है, हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, सब किराएदारी रहते हैं, मैं तो कभी कभार ही आकर रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं छत पर, आपको छत भी दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों ये मेरा छत है, ये मेरा आपको छत दिख रहा होगा, ये छत है। इसके ऊपर से भी जीना जाते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Interior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no लगाया हुआ है। जो हमारा तिरंगा है वो भी हमने लगाया हुआ है। इसके बाद ये जीने ऊपर की ओर जाते हैं, क्योंकि एक और छत है मेरा अभी। ये जो आप छत देख रहे हो ये पानी की टंकी रखी हुई है, ये ईंट की कांचें हम लोगों ने लगाई हुई है, जो मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से। ये देखिए दोस्तों ये भी मेरा ही छत है, और यहाँ आकर आपको दिखाते हैं तो पूरी ये मेरी कुरवाई है जो ये यहाँ से दिखती है। ये देखिए, और दोस्तों आगे आपको ये दिख रही होगी, ये नदी दिख रही होगी कुरबाई की, बहुत ही अच्छी है। इस पर भी मैं एक ब्लॉग लाऊंगा। फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये अब मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा,
ये मेरे मैंने घर का टूर दिया था। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर।